आपका नाम क्या है सर? बद्री। बद्री जी, बद्री जी, आपके पास कौन सा डॉग है? लासा मैक्स। मैक्स, ओके। मैक्स को लेकर कैसा फील रहता है, लाइक एज ए पेट पेरेंट आपको कैसी फीलिंग रहती है? मैक्स बहुत मस्त है, सबका बात मानता है, कभी कभार गुस्सा हो जाता है, और एक बार बहुत स्टबर्न है वो, कभी कभार उसका मनमानी ही चाहिए उसे, तो वो नहीं थी। आपके घर में उसकी मनमानी सब चला लेते हैं और कोई उसके ऊपर लाइक कंट्रोल करता है कि नहीं आपकी मनमानी नहीं चलेगी? ज्यादातर उसका मनमानी चल जाता है, चल जाता है वो, मनमानी का काम होना ही पड़ता, नहीं तो वो बात मानता नहीं है। मानता नहीं है, ओके। तो आपके फैमिली में कौन कौन है? मम्मी पापा भाई मैं मेरे मैक्स और छह पैरट्स भी है। तो दूसरे लाइक दूसरी फैमिली मेंबर्स के साथ कैसा है सिम्बा? मैक्स बहुत मस्त है, ही इज वेरी प्रोटेक्टिव, सबके फैमिली में सबके साथ एक साथ ही रहता है, कोई भी इवन रिलेटिव्स आए या कोई नए भी आए तो वो बात नहीं करेगा, वो बस स्मेल करके छोड़ देता है उनको। तो आप जॉब भी करते हो? जी। तो लाइक मैनेज कौन करता है ऑल रूटीन, ऑल डे रूटीन फॉर मैक्स? मॉर्निंग मम्मी वॉकिंग ले जाती है, फिर हम लोग अभी लॉकडाउन की वजह से घर पे है तो हम हैंडल करते हैं, नहीं तो पापा के साथ रहता है पूरा दिन, पापा रिटायर्ड हैं तो घर पे रहते हैं, तो उनके साथ ही मैक्स पूरा दिन गुजरता है, पूरा रहता है। मॉर्निंग और शाम का जो इवनिंग का वॉक है वो किसके साथ करता है? वो मॉर्निंग वॉक मम्मी के साथ करता है और इवनिंग नाइट सब मैं या मेरे भाई देख लेते हैं, दिन में 6-7 बार वॉकिंग। 6-7 बार, दिस इज ग्रेट। अदरवाइज मैंने देखा हुआ है कि जो लोग है पेट पेरेंट है वो ज्यादातर बिलीव करते हैं कि 2-3 बार ले जाके इट इज फाइन, अगर 2 बार ले जाते हैं तो। नहीं, मैक्स का ये है कि वो घर के अंदर कभी गंदा करता नहीं है, तो एवरी 4-5 आवर्स वो वॉकिंग जाना होता है तो वो खुद पूछता है, हम ले जाते हैं। और आप इसे लेकर कहाँ कहाँ पर जाते हैं? लाइक मैंने देखा है कि संडे को आप एवरी संडे यहाँ तो मीटअप करने मीटअप पे आते ही है, बट दूसरी जगह पर एक्सप्लोर करते हैं मैक्स को लेकर। जी बिल्कुल, हम कभी कभार गांधीनगर में एक दो गार्डन से वहाँ जाते हैं, मेरे दीदी के पास 5 डॉग सूरत पे है तो वहाँ ले जाते हैं, फिर उदयपुर माउंट अबू सब घूमने जाते हैं मैक्स के साथ। मैक्स के साथ जी। तो आपको अच्छा लगता है जब मैक्स साथ में होता है तो? बिल्कुल, मैक्स नहीं होता है तो हम लोग भी जाते नहीं है, अगर हमें जाना है तो मैक्स को लेकर ही जाते हैं। मतलब मैक्स इज लकी और योर फैमिली इज लकी टू हैविंग मैक्स? मैक्स इज डेफिनेटली वेरी लकी एंड फैमिली इज डेफिनेटली लकी टू हैव मैक्स एज वेल। दोनों तरफ, इट्स ट्रू, दोनों तरफ की बात है। ओके, दूसरे डॉग के साथ मैक्स कैसा? वो डिपेंड करता है, लैब्राडोर के साथ बहुत अग्रेसिव हो जाता है, छोटा पैकेट बड़ा धमाका लगता है। बिल्कुल वही। ओके, तो ऐसा कुछ कभी हुआ है मैक्स के साथ जिसके कारण वो डरने लगा हो लैब या किसी और ब्रीड से? मेरी नेबर एक है जिनके पास लैब है और वो छोटा था और मैक्स भी छोटा था, तो वो काटने आया मैक्स को, तो तब से वो हर कोई लैब पे एग्रेसिव बन जाता है, ही इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि वो अलग डॉग है या अलग डॉग है। उसके साथ जो इंसिडेंट हुआ उसके कारण वो मैक्स ऐसा बिहेव अभी कर रहा है, राइट? So, आपका क्या सजेशन है अगर पेट पेरेंट बनना है और पेट घर में लाना है तो आपको कोई सजेशन आपका दूसरों के लिए? जी बिल्कुल, फर्स्ट थिंग कोई ना कोई किसी न किसी को घर पे 24 आवर्स रहना बेटर होगा, स्पेशली व्हेन दे आर अ पपी एंड दे हैव टू बी स्लोली ट्रेंड, एंड सेकंड थिंग वी कैन नॉट टेल कि वी आर वेजिटेरियन नॉन वेज नहीं खिलाएंगे, वैसे नहीं चलता डॉग्स के साथ। Even if we are vegetarian, we are recommend that the dogs are given what they are supposed to eat. So that's an important part. We can't tell ki we are Brahmins or we are vegetarian. So dog ko bhi aise hi rehna hai. Wo galat baat hoga aur cheating hoga animal ke saath. Chalo, thank you, Badri ji.